सो हेलो दोस्तों, यार आप देख सकते हो आपके सामने है पल्सर RS 200 BS6 इन ब्लैक कलर। सो गाइस, ये जो कलर है मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इससे अच्छा कलर जो है मेरे को यार पर्सनली रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी जो है यार आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, सबकी जो है पसंद यार अलग अलग होती है। सो वो जो है यार आप पे डिपेंड है। सो गाइस, आज जो है इस कलर का रिव्यू करने वाले और देखने वाले गाइस इस बाइक में आपको क्या कुछ मिलता है। वैसे तो जो है मैं एक बार इसका पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ, लेकिन जो है गाइस आज जो है इस कलर को आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो है कैसा कलर लगता है, एंड बाकी इंफॉर्मेशन भी जो है कुछ आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसी बाइक के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे चेंजेस के बारे में। गाइस, चेंजेस की बात करूं, यहाँ पे ज्यादा कुछ आपको चेंजेस नहीं देखने मिलेंगे। वही ड्यूअल चैनल ABS आपको मिल जाता है। मीटर कंसोल में जो है कुछ आपको मलवे डिटेक्टिंग इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाता है, BS6 इंजन मिल जाता है, और इसके अलावा शायद ही आपको कुछ चेंजेस में देखने को मिलेगा। गाइस चलिए बात करें इसके लुक्स के बारे में। ब्लैक कलर में आप देख सकते हो गाइस काफ़ी अच्छी लग रही है। हालांकि जो है ब्लैक कलर में जो है इसकी ज़्यादा सेलिंग होती है, आपको भी पता है ब्लैक कलर में जो है ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसका। सो गाइस आप देख सकते हो ब्लैक कलर वैसे भी जो है काफ़ी लोगों का फेवरेट होता है। सो आप बताना गाइस आपका फेवरेट कौन सा कलर है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो बाइक काफ़ी अच्छी लग रही है इस कलर में भी, और रेड कलर तो आपको मैंने पहले दिखाई दिया था, और बाकी जो है ब्लू कलर भी आपको जल्दी दिखाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस यहाँ पे भी आ जाता हूँ मैं इंजन पे। सो गाइस इंजन में जो आपको ये 200cc का इंजन मिलता है जो कि सिंगल सिलेंडर होने वाला है, एंड यहाँ पे जो है आपको FIB मिल जाता है। लिक्विड कूलिंग जो है आपको इसमें सिस्टम मिल जाता है, जिसकी वजह से जो आपको बाइक में कम से कम हीटिंग देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे गाइस इसमें पावर 24.5 BHP की मिल जाती है, 18.7 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है, जो कि आपको इस सेगमेंट में किसी और बाइक में इतनी पावर और टॉर्क नहीं देखने को मिलती। सो कहने का मतलब है परफॉर्मेंस जो है इस सेगमेंट में ये बाइक आपको काफी अच्छी देती है। यदि कंपेयर करूं R5 से, तो इसे आपको टॉप एंड सेम देखने को मिल सकता है, लेकिन जो पिकअप है, जो यदि आप स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट गियर में जो परफॉर्मेंस मिलती है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, सो वो जो है आपको R5 में कभी भी नहीं मिलेगी, जो आपको RS 200 में मिलती है। सो गाइस यहाँ पे जो है आपको 35 तक की माइलेज दे देगी। इसमें जो है गाइस आपको 6 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है, एंड यहाँ पे आपको 150+ तक की हाई स्पीड भी मिल जाती है। गाइस यहाँ पे मेरे को इसमें एक ही कमी लगती है, जो कि आपको स्लीपर क्लच इसमें नहीं दी जाती। सो जो है यार होनी चाहिए थी, बाकी देखते हैं कुछ नया अपडेट आएगा उसमें आपको शायद देखने को मिल जाए। बाकी इसमें जो है 150+ तक की आपको हाई स्पीड देखने को मिल जाती है। वाइब्रेशन जो है गाइस BS6 में आपको काफ़ी कम फील होने वाली है, बिकॉज यदि मैं कंपेयर करूँ BS4 से, तो यहाँ पे जो है यार वाइब्रेशन पे भी जो है काफ़ी अच्छा काम किया गया है। सो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन काफ़ी कम महसूस होने वाली है। वाइब्रेशन तो यार आपको देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स बाइक में। तो गाइस यहाँ पे बात करूँ इसके ब्रेकिंग वगैरह बारे में। सो गाइस फ्रंट में भी आपको डिस्क मिल जाता है, आप देख सकते हो, एंड रियर में भी आपको डिस्क मिल जाता है। सो गाइस यहाँ पे जो है आपको ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी मिल जाएगी इस बाइक में भी। ड्यूअल चैनल जो है आपको ABS मिल जाता है। यहाँ पे गाइस लाइट्स आप देख सकते हो, फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलाइट मिल जाती है प्रोजेक्टर हेडलैम्प पे। तो गाइस यहाँ पे जो है आपको इनकी ब्राइटनेस काफी अच्छी मिलेगी, इंडिकेटर्स भी आपको LED मिलेंगे, टेल लाइट भी आपको LED मिलेगी, जो है सब कुछ आपको LED में ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आपको ओवरऑल जो है काफी अच्छा लाइटिंग सिस्टम मिल जाता है, जिसके इंडिकेटर्स से उनकी जो है विजिबिलिटी काफी अच्छी है। तो बाकी सस्पेंशन देख सकते हो गाइस, आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक है, रियर में जो है मोनोशॉक मिल जाता है। मीटर कंसोल आप देख सकते हो, वही पुराना सेमी डिस्प्ले मीटर कंसोल, लेकिन जो है देखने में काफी अच्छा लगता है। लुक्स जो है इसका काफी अच्छा है। बैकलाइट आपको जो है ब्लू कलर की मिल जाती है। सो बाकी यहाँ पे आपको जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाता है, मलवे डिटेक्टिंग इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि आपको पता है क्या होता है और क्या नहीं होता। सो गाइस यहाँ पे मलवे डिटेक्टिंग इंडिकेटर जो इसको मैं बोल रहा हूँ, सो उसमें क्या होता है गाइस, यदि आपकी बाइक के FI सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी यदि आपकी इंजन में कोई प्रॉब्लम होती है, सो वो जो है वहाँ पे ब्लिंक करेगी, और उससे आपको इजिली पता चल जाएगा, और फिर जो है आप इजिली चेक करा सकते हो। बिकॉज यार काफी बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारी बाइक में होती है, लेकिन जो हम उसको नजरअंदाज करते हैं, और वहाँ पे जो आपको जल्दी से पता भी नहीं चलता। सो यहाँ पे इस बाइक में जो है ऐसा कुछ आपको नहीं देखने मिलेगा, बिकॉज जितनी भी BS6 बाइक्स है सब में जो है ये फीचर मिलता है। तो यहाँ पे जो है ये फीचर काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इस की बात करूँ तो आप देख सकते हो की वेव की आपको इसमें मिल जाती है, एंड जो है काफी अच्छी लगती है, इजी टू यूज एयर काफी। सो बाकी सीट आप देख सकते हो, स्प्लिट सीट जो है इसमें आपको मिल जाती है। कंफर्ट जो है आपको काफी अच्छा मिलेगा राइडर के लिए, पिलियन के लिए जो है आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है राइडर इसको कंफर्टेबल राइड कर सकता है। सो बाकी जो है इस R5 से तो काफी बेटर है इसमें कंफर्ट। स्टाइलिश अलॉयज मिल जाते हैं आपको, अलॉयज जो है मेरे को काफी अच्छे लगे, कलरफुल अलॉयज मिलते हैं आपको। जिस कलर में आप बाइक लेते हो उसी कलर में जो है आपको यहाँ पे अलॉयज मिल जाते हैं, ब्लू में ब्लू कलर के, रेड में रेड कलर के, एंड जो है ब्लैक में ब्लैक कलर के। सो यहाँ पे काफी अच्छे अलॉयज आपको मिल जाएंगे। वेट आपको 166 kg का मिल जाता है, 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, 157 तक इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। सो यहाँ पे जो है गाइस आपको ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम मिलेगा यदि आप कंपेयर करते हो R5 वगैरह से। सो गाइस एग्जॉस्ट आप देख सकते हो, अभी जो है आप इसकी साउंड भी सुन लो एक बार।
तो साउंड जो है गाइस आपने सुनी काफी अच्छी साउंड है। अभी जो है इसका इंजन इतना गर्म नहीं है, मतलब जो अभी बाइक नई है, नई बाइक में जो है आपको इतनी अच्छी आवाज नहीं देखने को मिलेगी। बिकॉज यहाँ पे जो है यदि आप 5 से 10 मिनट बाइक को स्टार्ट करके रखते हो, उसके बाद यदि आप रेव करते हो, वहाँ पे जो है आपको काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा साउंड के अंदर। सो यहाँ पे आपको इतनी अच्छी आपको नहीं लगी होगी, लेकिन फिर भी जो है यार आरएस का अंडर वैली जो एग्जॉस्ट है काफी अच्छी साउंड दे देता है। सो फाइनली इस बात करूँ प्राइसिंग के बारे में, 1.48 लाख इसके एक्सशोरूम प्राइस एंड 1.70 to 1.75 तक भी जो है ऑन रोड जाती है। सो यहाँ पे जो आप एक बार चेक कर लेना अपने नियरेस्ट शोरूम में, वहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा क्या कुछ इसकी प्राइसिंग है। सो बाकी गाइस ये थे मुझे आज की वीडियो में, कोई भी आपके डाउट्स हो सो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो MRD Vlogs के नाम से मेरी आईडी, वहाँ पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे करो जिनका यार मैं आंसर दूँ, बिकॉज आप ऐसे क्वेश्चन करते हो जो मैं ऑलरेडी वीडियो में उनका आंसर दे चुका, सो उनके जो है रिप्लाई देने का मन नहीं करता। सो आप जो है यार कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछो, डिफरेंट अपने डाउट्स क्लियर करो जिनके बारे में जो है मैंने वीडियो में बात ना की हो, सो उनका जो है मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। सो बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।